हे गाइस, मैं हूं जीतू और इस समय मैं हूं अहमदाबाद में। और अभी अहमदाबाद में चल रहा है फ्लावर शो करके है, और जो कि आरिवर फोर्ट की तरफ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहां का पूरा टूर करवाने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा कि अंदर से किस तरह से सजा हुआ है, और छोटी बड़ी सारी जानकारी आपको दूंगा इससे रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज मेरे साथ घूमिए रिवर फोर्ट फ्लावर शो को। सो, अभी मैं रिवर फोर्ट पे पहुंच चुका हूं, और आप सामने देखते हैं ये रास्ता है जहां पे आपको फ्लावर और लाइटिंग शो वगैरह होता है, जो कि जस्ट इस साइड है। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा ये होने वाला है। और बाकी यहां पे इस तरह से देख सकते हैं बोटिंग वगैरह भी होती है, जिसका अलग से चार्जेस वगैरह होते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हमने यहाँ टिकट ले ली है, और जो हमें टिकट पड़ी है 50 रुपीज़ की पर पर्सन की टिकट है यहाँ पे। तो हम तीन लोग हैं, तुम्हारा 150 का टिकट है, और चलिए चलते हैं। सामने है एंट्री गेट, और आपको दिखाते हैं यहाँ का फ्लावर शो। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रिज पे इस तरह से जो तितली टाइप तितली वाले लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, और सामने है रास्ता जाने का। चलिए चलते हैं और खुद दिखाते हैं अंदर से पूरा ये लाइट शो वगैरह। और सो गाइस, अभी मैं इसके गेट पे आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है रिवर फोर्ट फ्लावर पार्क, और कुछ इस तरह से पूरी सजावट करी गई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग फोटो वगैरह भी क्लिक करवा रहे हैं। और सामने है एंट्री गेट जहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं। तो बाहर से ही देखने में इतना खूबसूरत है, तो अंदर से कितना खूबसूरत होने वाला है आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं रिवर फोर्ट फ्लावर पार्क, जो कि जस्ट सामने है। आप लोग भीड़ देख सकते हैं, कितनी ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे इसको देखने के लिए। चलिए सामने से टिकट चेक करवा लेते हैं और लेते हैं एंट्री। तो गाइस, फाइनली मैंने अंदर एंट्री ले ली है, और एंट्री करते ही आपको इस तरह से खूबसूरत सा एक फ्लावर जोन दिख जाएगा। देखिए, और यहाँ पे काफ़ी तरह के आपको फ्लावर्स दिख जाते हैं, और उन फ्लावर्स के ऊपर देख सकते हैं इस तरह से रंग बिरंगी लाइटिंग करी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। और एक इस तरह से एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लावर्स की डेकोरेशन वगैरह है, और इसके बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग वगैरह करी हुई है, और वाटर फॉल की तरह पूरा बनाया हुआ है ये, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए, चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और इसमें काफ़ी रंग बिरंगी लाइट है, रेड ब्लू ग्रीन इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस खूबसूरत से वाटरफॉल के जस्ट बगल में एक इस तरह से गार्डनिंग एरिया है, जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, और उन फ्लावर्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लाइटिंग करी हुई है, और देखिए बीच बीच में इस तरह से बटरफ्लाई रखी हुई है, और उन पर लाइट लगाई हुई है। और यहाँ की खूबसूरती देखिए, आपको देखते देखते बनेंगे बहुत बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। देखिए, बाकी आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं, और आगे किस तरह से और चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। ये 30 दिसंबर स्टार्ट हो गया था, और 15 जनवरी तक ये ओपन है, तो इस बीच में आप यहाँ पे आ सकते हैं। और वहीं मैं बात करूँ टिकट प्राइस की, तो मंडे टू लेके फ्राइडे तक आपका जो अडल्ट का टिकट यहाँ 50 रुपये होने वाला है, और सैटरडे संडे टिकट यहाँ पे 74 रुपये का होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं पेड़ों के अंदर भी इस तरह से कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से देखिए ये एरिया कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। तो अभी हम नेक्स्ट एरिया में आ गए हैं, फूलवाड़ी करके एक एरिया है, जहाँ पे आपको फूलों की बहुत सारी वैरायटियाँ देखने को मिलने वाली है। देख सकते हैं आपको वाइट, पिंक, रेड इस तरह से काफ़ी सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, और इस तरह से देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया बना हुआ है ये। यहाँ पे फूलों की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, और वैरायटी साथ साथ देख सकते हैं आप सजावट कितने अच्छे तरीके से करी हुई है यहाँ पे। और ये यहाँ का वॉक एरिया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भाई। तो मैं आपको दिखा दूँ ये रिवर कितनी खूबसूरत लगती है, देखिए, और इस तरह से ब्रिज के ऊपर लाइट वगैरह हो जाती है, और सामने देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है सामने ब्रिज, उस पर रंग कलरफुल लाइट हो रखी है, जिसकी वजह से ब्रिज की खूबसूरती कितनी बढ़ गई है। ये फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे आपको पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी पीने के लिए, तो अगर आप आते हैं तो पानी अगर बाहर से नहीं भी लाते तो यहाँ पे आराम से पी सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और इस एरिया का सबसे बेस्ट और खूबसूरत एरिया आ गया है। देख सकते हैं सामने फ्लावर से इस तरह से हर्ट बने हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भाई, और इस तरह से पूरे एरिया बने हुए हैं। और इसके जस्ट बगल में इस तरह से एक बटरफ्लाई जहाँ पे लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, और साथ साथ देख सकते हैं एक बीचों बीच काफ़ी बड़े एरिया में एक इस तरह से वाटर एरिया है जो कि मैं आपको पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जितने भी इस तरह से दिल बने हुए हैं अलग अलग फ्लावर्स बने हुए, देख सकते हैं आपको वाइट पिंक रेड येलो और इस तरह से काफ़ी सारे फ्लावर्स से ये दिल टाइप का बना हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। और इसके बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से एक बहुत बड़ा वाटरफॉल एरिया है जहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े फॉल लगे हुए हैं जो कि इस खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। देखिए बाकी चलते सामने सबको पास स्टोरी दिखाते हैं। और यहाँ का जो इस तरह से वॉकिंग एरिया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे आपने तालाब में देखा होगा उसी तरह से पूरा एरिया बना हुआ है, तालाब एरिया है और बीचों बीच इस तरह से बहुत बड़ा एक फाउंटेन एरिया है। और इसकी खूबसूरती आपको दिखाता हूँ पास से मैं, और जस्ट बगल में ये जो पार्क एरिया तो है ये साथ साथ भाई। और यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी है तो आपको यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से पूरा एरिया बना हुआ है जहाँ पे शेर हैं और बकले वगैरह हैं, और बीच में एक बहुत खूबसूरत सा मेढक लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और यहाँ पे एक आपको झरना टाइप का मिल जाएगा, और जैसे रियल के पहाड़ होते हैं जैसे झरना बहता है सेम ऐसे यहाँ बना हुआ है, और एक्चुअल में भाई ये रियल का ही है, पत्थर वगैरह हैं और ऊपर से पानी गिर रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई देखिए। जैसे एक टेडी बना हुआ है जो कि पेड़ की तरफ पूरा बना हुआ है देखिए। और वाटरफॉल एरिया आ जाता है, और इस फ्लावर एरिया में काफ़ी सारे आपको वाटरफॉल दिख जाएंगे और जहाँ पे लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने करी हुई है। गाइस एक और इस तरह से जोन आ गया है जिसके ऊपर इस तरह से फोकस लाइट्स हैं देखिए जो हो रही हैं, और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत ट्री हैं जिनके ऊपर इस तरह से लाइट लगी जाती है, क्रिसमस ट्री होते हैं उस तरह से बनाया हुआ है, और ये देखिए कुछ इस तरह का पूरा एरिया है। और सामने है ये ब्रिज जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, और देख सकते हो भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इस ब्रिज पे लोगों के जाने की, देखिए पूरा खसाखस पूरा भरा हुआ भाई। बाकी उस ब्रिज के जस्ट बगल में इस तरह से एक छोटा सा कैंटीन एरिया है जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, देख सकते हैं आपको पेटीज हो गया सैंडविच हो गया, तो इस तरह से सेटिंग अरेंजमेंट है सामने देख रहे होंगे, तो अगर आप आते हैं तो खाने पीने की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। बाकी जो हमने 50 रुपीज़ की टिकट लेती है वो यहाँ वैलिड नहीं है, यहाँ पे आपको जस्ट बगल में काउंटर इस साइड, और आपको यहाँ 30 रुपये की टिकट अलग से लेनी पड़ेगी, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप आएंगे तो आप चले जाना अंदर, काफ़ी खूबसूरत एरिया है जहाँ पे आपको इस तरह से रिवर व्यू दिख जाएगा तो आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है यहाँ पे। एक और एक ऐसा पॉइंट है, चलिए आप दिखाते हैं आपको क्या दिखने वाला है। और अभी हम एक इस तरह से ग्राउंड एरिया में आ गए हैं, और बेसिकली जो ये एरिया है पूरा मेला एरिया है जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, काफ़ी सारे फूड स्टॉल हैं और हाँ यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से एक बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ पे फ्लावर्स से इस तरह से हॉर्स बने हुए हैं देखिए, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं भाई, और इस तरह से काफ़ी सारे हॉर्स हैं भाई, और देखिए सबका पोजीशन अलग है, कोई दौड़ रहा है कोई इस तरह, सबके देखिए पैर के मूवमेंट देखिए सबके मूवमेंट अलग अलग हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। अब और एक देखिए इस तरह से एक अजीब सा जानवर टाइप बना हुआ है जिसके इस तरह से पंख हिल रहे हैं, और आपको दिखा दूंगा पूरा ओवरव्यू देखिए इस पूरे ग्राउंड में बना हुआ है, और पूरा एरिया फ्लावर है, और जितने भी होड़े सारे ये फ्लावर्स ही बने हुए हैं भाई, देखिए कुछ इस तरह का पूरा ये व्यूज़ है। और अभी आप ये एरिया देख रहे हैं एक तरह पूरा फ्रूट जोन एरिया है जहाँ पे आर्टिफिशियल फ्रूट बने हुए हैं देखिए, और देखिए पम्पकिन हो गया सेब हो गया पूरा देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में भाई।
और यहाँ पे देख सकते हैं एक वेस्ट मटेरियल से कंप्यूटर का मदरबोर्ड वगैरह हो गए इस तरह से एक ब्लॉक पूरा एरिया बनाया हुआ है, मतलब वेस्ट मटेरियल से पूरी चीज बनी है कंप्यूटर की। देखिए जो ये एरिया है साइंस टेक्नोलॉजी एरिया कह सकते हैं आप, जिसमें ग्लोब है यहाँ पे, वहाँ पे आप वहाँ पे आपको एक रॉकेट दिख जाएगा, तो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस एरिया में देखने को मिलने वाली हैं। और ये आप देख रहे हैं रॉकेट, हाँ ये पूरा फ्लावर से पूरा बना हुआ है भाई। और ये देखिए ये भी UFO टाइप का है, इसको भी पूरा फ्लावर से पूरा बना है ये। और अब एक और एरिया आ गया, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह पूरा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे गेट हैं और मेरे को यहीं से दिखना स्टार्ट हो गया अंदर काफ़ी सारे फ्लावर्स के, काफ़ी सारे खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं भाई। ये जो ये एरिया है फ्लावर जोन एरिया बहुत बड़े एरिया में पूरा बना हुआ है भाई, अगर आप आओगे ना 2-3 घंटे निकाल के आना भाई, बहुत मुश्किल है इसको घूमना और आपको दिखा पाना। बाकी चले चलते हैं, बाकी आप देख सकते हैं जो ये वाला एरिया ना, यहाँ पूरा फ्लावर जोन एरिया, जहाँ पे आपको फ्लावर्स काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जो कि इस साइड एरिया है ये पूरा अब खाने पीने का एरिया पूरा, बाकी चलते हैं अंदर आपको अंदर से दिखाते हैं क्या क्या देखने को मिलने वाले हम। तो भाई ये बेसिकली पूरा फ्लावर जोन एरिया है, यहाँ पे आपको फ्लावर से बनी हुई बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक पूरा इस तरह से एक महल टाइप का पूरा बना हुआ है जो कि पूरा फूलों से बना है भाई, और इसके अंदर देखिए कितने सारे फूल की वैरायटियाँ, देखिए पूरे में फूल कितनी सारी वैरायटी है और कितना ये खूबसूरत लग रहा भाई अपने आप में। और ये देखिए फूलों से कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है भाई ये। और अब मैं आ गया हूँ किड्स जोन में, और ये बेसिकली पूरा किड्स जोन एरिया है, क्योंकि आप देख सकते हो सामने पिकाचू है और उस साइड में मिकी माउस है। तो अभी मैं आपको पार्सल दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए सामने है पिकाचू और उस साइड मिस्टर टॉम एंड जेरी है, ये बना हुआ है मिक्की माउस। और अब मैं आ गया हूँ उस साइड से निकल के तो किड जोन के बगल से, और अब आ गया हूँ मैं इसके दूसरे जोन में जहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई है जो कि देख सकते हैं इस तरह से मूवमेंट हो रही है इसकी। और यहाँ पे इस तरह से 2-3 बटरफ्लाई देखिए सामने है, और इधर आप देख रहे होंगे सदर भाई पटेल जी की एक स्टैचू बना हुआ है, और पूरा ये फ्लावर से और पेड़ पौधों से पूरा बना हुआ है ये। तो गाइस फाइनली मैंने आपको फ्लावर जो रिवर फोर्ट पे लगा हुआ है पूरा आपको दिखा दिया है, और छोटी बड़ी सारी जानकारी दी और आपको दिखाया कि अंदर से किस तरह से डेकोरेशन है। और भाई बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ है, तो जब भी आप यहाँ पे आए तो टाइम निकाल के आएँ, और 3-4 घंटे लग जाएंगे आपको पूरा घूमने में। और मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि आपको पूरा मैं दिखाऊँ, और मैंने दिखाया भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। चलेगा मिलते हैं आपसे अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।